अल्लाह के नाम से जो बेहतर मेहरबान और रहमान रहीम है। आज ऑनलाइन दर्स तदरीस पे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ दर्जा 9 के लिए क्लास 9 के लिए हाजिर है। आज का टॉपिक है इंशाइया और हम आज के दर्स में जानेंगे कि इंशाइया क्या है, सिंफ की हैसियत से इंशाइया किसे कहते हैं, इंशाइया की क्या क्या जुजियात हैं और इंशाइया की सिंफ की हैसियत से उसकी क्या खास बातें हैं, बतौर सिंफ हम उसको जानेंगे। जैसा कि पहले की क्लास में बताया गया था कि जैसे हम 9 क्लास में आते हैं तो 9 क्लास में जो उर्दू जबान व अदब में जो चीजें डाली गई हैं, जो मजामीन डाले गए हैं, तो उसको हम उर्दू जबान और अदब के लिहाज से पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम उसका मुताला करते हैं तो हम 3 जाविये से मुताला करते हैं। पहला जाविया तो यह है कि हम उसको सिंफ की हैसियत से पढ़ते हैं, क्या सिंफ है, सिंफ की क्या खूबियां हैं, उसके क्या अजाय तरकीबी हैं, उसके जुजियात क्या हैं, सिंफ की मुकम्मल फहम हमको होनी चाहिए। और उसके दूसरे हिस्से में हम मुसन्निफ का मुताला करते हैं, यानी जिस फनपारे का हम मुताला करते हैं उसके मुसन्निफ कौन है, उनका क्या मकाम है, उर्दू जुबान अदब में उनकी क्या हैसियत है और जिस सिंफ में वो लिख रहे हैं उनका उसमें क्या मकाम है। और तीसरे हिस्से में हम उस फनपारे का मुताला करते हैं जो हमारे दरसियात में शामिल है। ये इस तरह से 9th और 10th या मैट्रिक के क्लासेस में जो उर्दू जुबान अदब की पढ़ाई होती है उसको इस 3 जाविये से पढ़ा जाता है। जाहिर है कि इसके मुताले का कैनवस बड़ा हो जाता है, हमको उर्दू जुबान अदब के बारे में शऊर भी हासिल हो जाए, हम उसके फिक्र शऊर को भी समझें, सिंध को भी समझें और फनपारे की खूबी और खराबी को भी समझें, उनके मानिए हुस्न को भी समझें। तो चलते हम इंशाइया को जाने कि इंशाइया क्या है। इंशाइया बच्चों एक नई सिंफ है, उर्दू अदब की जदीद सिंफ है। इससे कबल की किताबों में इंशाइया का कोई मजमून तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आज तक की क्लास में नहीं शामिल किया गया है। हम 9th और 9th से आगे 9वीं तक की क्लास में पढ़ाई होती है। ये उर्दू बिल्कुल जदीद सिंफ है, ये फ्रांस से अंग्रेजी जबान में फिर अंग्रेजी जबान से उर्दू जबान में इस सिंफ को लिया गया। इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई, बड़े बड़े इंशाइया निगार बेकन और कौन कौन उसमें हैं, मशहूर हैं। उर्दू जबान अदब में या किसी भी जबान अदब में मेल जोल और लेन देन का रिश्ता चलता रहता है, यही जबान की अलामत है, जिंदा जबान की अलामत है। उर्दू जबान ने भी बहुत सारे असनाफ दूसरी जबानों से लिए हैं। जबानों का एक दूसरे जबान पर असर पड़ता है और यह असर कबूल भी करना चाहिए, यह जिंदा जबान की अलामत है। जिस तरह से हमारे यहां गजल है, कसीदा है, रुबाई है, कताक है, कसीदा है, मरसिया है, उसी तरह से अफसाना है, नॉवल है, इसमें से बहुत सारे असनाफ दूसरी जबानों से इसमें लिए गए हैं। जिस तरह से अफसाना नॉवल अंग्रेजी से लिया गया उसी तरह से इंशाइया भी बाद के दिनों में अंग्रेजी अदब से लिया गया। अब हम जानेंगे कि ये इंशाइया भी मजमून की ही एक किस्म है, लेकिन ये मजमून वैसा मजमून नहीं है जो आलमाना अंदाज से लिखी जाती है, जो फाजदान अंदाज से, ये इसमें कोई गहरी और इल्मी बात नहीं होती है, ये हल्के फुल्के अंदाज में बातों ही बातों में लिखा हुआ एक मजमून होता है, लेकिन इसमें भी काम की बातें होती है, लेकिन वो बातें इस अंदाज से कि बहुत मुंजलत अंदाज से बहुत पुख्ता ख्यालात की हैसियत से पेश किए जाए ऐसा नहीं है। इसी वजह से अंग्रेजी के एक राइटर हैं डॉक्टर जॉनसन, उन्होंने इसकी एक तारीफ में एक डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन क्या दिया है उन्होंने, लिखा है कि इंशाइया एक जहनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुंजबत और नापुख्ता ख्यालात और जज्बात। अब उसके हम टॉपिक पर देखेंगे और करेंगे
बच्चे हम इस बात का ध्यान रखें कि जो बातें पढ़ाई होती हैं, जो चीजें पढ़ाई हो रही हैं, उसको अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लें, और इसमें कोई इभाम हो, बातें नहीं समझ में आ रही हो, तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट करके उसकी वजाहत कर लें। अब पहला ख्याल जुमला कि इंशाइया एक जहनी तरंग है। जहनी तरंग, तरंग किसको कहते हैं? हम लोगों ने देखा है कि अक्सर देखा होगा कहीं पानी जमा होता है और उसमें कोई कंक्रीट का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा हम भेज दें, फेंक दें, तो जमे हुए पानी में एक लहर पैदा होता है और वह लहर कुछ देर तक टाइम रहता है और वो किनारे जाके खत्म हो जाता है। इसको हम तरंग की मिसाल कहते हैं। तो अदीब और फनकार के जहन में भी कोई बात आती है, ऐसी बात आती है जिससे उसके जहन में एक तरंग बर्पा हो जाता है, एक हलचल बन जाती है और वो मजबूत हो जाता है कि उस हलचल से कुछ काम की बातें निकालकर लोगों के सामने पेश करें। ये जहन में उठने वाला तरंग है, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अब ऐसा तरंग जो जहन में उठे तो उसमें जो ख्यालात पेश किए जाते हैं वो बेतरतीब होते हैं। तरतीब को कहते हैं जो बहुत सजा संवार के हो, जैसा कि मजमून लिखा जाता है, ये मजमून वैसा नहीं, बेतरतीब। जो बात जैसे जहन में आई, जिस तरह से आई, उसको हम बयान करते चले। इंशाइया निगाह के जहन में जो बातें उससे मुतल्लिक आती है वो अपना बयान बहुत हल्के फुल्के अंदाज से, बातचीत के अंदाज में करता जाता है। गैर मुंतबत, गैर मुंतबत कहते हैं जो जाब्ते के मुताबिक नहीं हो, जो बात जैसे जहन में आई, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, खाना खा करके बात करते हैं, अब बात करते हैं तो जो बात जैसे आती है हम करते जाते हैं हल्के फुल्के अंदाज। हम बाजार जाते हैं, बाजार जाने तक जो बातें करते हैं वो बहुत गैर मुंतबत बातें होती हैं, वो ना पुख्ता ख्याल होता है ना, जो बातें जैसे आती है जहन में करते जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से इंशाइया निगाह भी कुछ ऐसी ही बातें करता है, बातों से बात पैदा करता है, लेकिन जो बात पैदा करता है वो काम की बात होती है। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि इसमें बेतरतीब, गैर मुंतबत और ना पुख्ता ख्याल और जज्बात का इजहार, ख्याल और जज्बात का इजहार, ये खास चीज है। इंशाया निगाह उसमें अपना कोई ख्याल ऐसा नहीं कि बहुत सोच के, बहुत विचार करके, बहुत गौर और फिक्र करके किसी नतीजे पर पहुंचा हो तो फिर पेश कर रहा हो, तो फिर वो इंशाया नहीं हो पाएगा, वो तो गैर मजमून हो, बहुत आलमाना और फाजदाना मजमून हो जाए, वो रिसर्च का टॉपिक हो जाए। लेकिन इंशाया निगाह क्या करता है कि जो बातें जैसे आती है, जिस तरह से जहन में बात आती है, जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, कभी बात करते हैं तो क्लास की बात करते हैं, कभी टीचरों की बात करते हैं, कभी बाजार की बात करते हैं, कभी कपड़े की बात करते हैं, कभी रास्ते की बात करते हैं, कभी किसी की तबीयत की बात करते हैं। इसलिए कि जहन में जो बातें जैसे आती जाती हैं वैसे ही बात करते हैं, ठीक इंशाया निगाह भी अपने मजमून में उसी तरह से बातें पेश करते हैं। इस रोशनी में अब इंशाया के जुज़ियात को हम समझे तो इस तरह है के इंशाया निगाह इंशाया में हल्के फुल्के तफरीही अंदाज में बातें देखता है। तफरी हम लोग समझ रहे हैं, दिल बहलाना, यानी जिसको पढ़ के, जिस बातों को सुन के फरहत हासिल होती हो, खुशी हासिल होती हो, तबीयत पे गिराना गुजरता हो, भारी भरकम ना महसूस होता है। इसमें इंशाया निगाह कोई गहरी और इल्मी बात नहीं करता, हल्की फुल्की बातें। दूसरी चीज है कि इंशाइया में कहानियत नहीं होती, अफसानियत नहीं होती। अफसाना और कहानी क्या है? अफसाना क्या है? लफ्जी मतलब तो बनावटी है या गैर हकीकी होना है, बाद लोग उसके झूठ के माने में लेते हैं, बनी बनाई बात। तो इसमें बनी बनाई बात नहीं होती, जो बात शायद, जो बात अदीब और फनकार महसूस करता है, जो बात उसके मुशाहदे में आती है, जो बात उसके तजर्बे में आती है, जो बात कि वो देखता है, उन्हीं बातों को हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए उसमें अलग से कोई प्लॉट, कोई किरदार अखज नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि अफसानियत इसमें कुफ्र है, इस फन में, इंशाइया के फन में अफसानियत कुफ्र है, इसमें अफसानियत नहीं होती, कहानियत नहीं होती। तीसरी चीज यह है कि
इन शायरी में तंज व मिजाह और ज़राफ़त है। तंज करना, मिजाह करना और ज़राफ़त, ये तीन लफ्ज है, इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। हम लोग आपस के बोलचाल में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, तंज और ज़राफ़त का। बात हमको कहनी होती है कुछ, लेकिन इस अंदाज में कहते हैं कि अपनी बात भी हो जाए, काम की बात भी हो जाए और सुनने वाले को बुरा भी न लगे। जैसे किसी बेईमान आदमी को हम कहें कि भाई उससे बचकर रहना, ये बड़ा ईमानदार आदमी है, तो क्या हो गया, ये तंज हो गया। हमने डायरेक्ट नहीं कहा कि वो बेईमान है, हमने कहा कि बड़ा ईमानदार है, इससे बचकर रहना। कोई शरीफ लड़का है, कोई बदमाश लड़का है, तो बारे में करने बड़ा शरीफ है, इसे स्कूल में पढ़ता है, तो दरअसल उसके पीछे हमारा तंज छिपा होता है। अब हम इसको समझ लें कि मिजाज, तंज और ज़राफ़त किसको कहते हैं, और कॉपी किताब में इसको हम लिख भी लें। मिजाज किसको कहते हैं, मिजाज हंसने हंसाने का नाम, बातों को इस अंदाज से पेश करना कि पढ़ने वाला बेसाख्ता हंसे, पढ़ने वाले को बेसाख्ता हंसी आ जाए। कोई बात हम पेश करते हैं इस अंदाज, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पुरमजाक होते हैं, उनकी बातों में, उनको बातों को सुनने से हंसी आती है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बहुत ह्यूमरस, बहुत पुरमजाक, बातों को इस अंदाज, बातें सही होती हैं, बातें काम की होती हैं, लेकिन उस बात को इस अंदाज से पेश किया जाता है कि सुनने वाला को बेसाख्ता हंसेगा, जैसे ही सुनता है उसकी तबीयत खुश हो जाती है और उसको हंसी आ जाती है, उसका लब मुस्कुरा जाता है। तंज किसे कहते हैं, जैसा पहले बताया कि किसी की बुराई को इशारा बांधा जाए, और अगर सीधे साधे तरीके से बांधा जाए तो उसे तंज कहते हैं। तंज का अटैक होता है, तंज सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी के अंदर कोई नाहमवारी होती है, कोई खराबी होती है, तो हम उसको तंजिया अंदाज में कुछ बात कहते हैं, वो बात हमारी उस तक पहुंच भी जाती है और उसको उतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगता है, उसकी बुराई क्या है होती है। तंज के जरिया हम किसी की बुराई को जाहिर करते हैं। अब अगली बात ज़राफ़त की, किसी की बुराई पर अगर मिजाज के साथ हंसने हंसाने के अंदाज में, उल्टे पुल्टे अंदाज में हम उस पर तंज करते हैं तो ये ज़राफ़त। बात काम की होती है लेकिन हम उसको इस अंदाज में पेश करते हैं कि बात से बोरियत भी नहीं महसूस हो, बात से कोई नागवारी भी नहीं महसूस हो, हंसते हंसाते हम काम की बात कर देते हैं। तो इन शायरी निगार भी कुछ इसी अंदाज से अपनी बात पेश करता है। तो हम जान पाए कि इंशाइया उर्दू में एक सिंफ है, और इंशाइया किस तरह की सिंफ है वो हम जान पाए कि हल्के फुल्के और तफरीही अंदाज में बातें की जाती हैं, कोई गहरी और इल्मी बातें नहीं होती हैं, इसमें कहानियत नहीं होती है, और इसका खास पहलू तंज और ज़राफ़त होता है। जो बातें के पेश की जाती हैं उसमें तंज और ज़राफ़त भरपूर होती है, यानी पूरा मजमून हम पढ़ते जाए और हंसते थे, लेकिन काम की बातें भी होती है, इंशाया निगार भी काम की बात नहीं करता है। जो बातें काम की होती हैं, काम की बातों में बहुत हल्के फुल्के अंदाज से हम तक पहुंचाता है, हमारी खराबियों को निशाना बनाता है, हमारी इसलाह फरमाता है। और सबसे आखिरी चीज ये है कि इसमें असरी शऊर की तर्जमानी, असरी शऊर क्या है, जमाने का शऊर, फी जमाना जो खराबी पाई जाती है, इंशाया निगार उसी को उसका मौजू बना है, हमको उस तक पहुंचाता है। अब जैसा कि हमारी किताब में ये इंशाया है हीरो, ये सैयद मोहम्मद हुसैन का इंशाया है, और इस इंशाया में उन्होंने नौजवान को अपने तनकीद का निशाना बनाया, अपने तंज और ज़राफ़त का निशाना बनाया। अब उन्होंने बताया कि आज का नौजवान, इसमें जो खराबी
पैदा हो गई है वो खराबी हीरोइज्म, ये हीरोइज्म की लत है जो अभी के नौजवानों में, खासतौर से पढ़ने लिखने वाले नौजवानों में, गांव समाज के भी जो पढ़ने लिखने वाले नहीं है उनमें भी ये इल्लत पैदा हो गई है हीरोइज्म की। अब उन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज में बहुत उल्टे पुलटे और हंसते हंसाते अंदाज में बताया है कि किस तरह से हीरोइज्म का नशा इल्लत जो है नौजवानों पर चढ़ गया है और उसकी कितनी किस्म होती है, कोई गांव का हीरो है, कोई समाज का हीरो है, कोई इलेक्शन का हीरो है, कहीं कोई झगड़ा हो, कोई मारपीट हो, कोई चुनाव हो तो उसमें वो हीरोइज्म उभर आता है। उसी तरह से उन्होंने शुरुआत की है गालिब के आम के पसंद करने की, जिस तरह से आम की जितनी किस्में होती है उसी तरह उन्होंने कहा कि हीरोइज्म की भी इतनी किस्में हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि हीरो की दो किस्म खास तौर से होती है, तबन एक मिसाली रूप में, एक मिसाली और एक मौसम मौसमी हीरो क्या है जो वक्त और हालात और मौसम के लिहाज से पैदा हो जाते हैं, वो उसके अंदर फलते फूलते हैं जैसे ही मौसम खराब होता है, मतलब खराब हो जाते खत्म हो जाते हैं। मिसाली हीरो वो है जो हमारी किताबों में पाए जाते हैं, उनके किरदार पर महसूस करते हैं, दुनिया उसकी मिसाल देती है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अभी के नौजवानों पर तंज किया है। अभी के नौजवानों में जिस तरह की इल्लत पड़ गई है वो अपने इस दौर में इश्क में आगे बढ़ते जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तरह तरह के उनके जो मसरूफियात हैं वो हैं, उन पर बड़ी चोट है। तो इस तरह से सैयद मोहम्मद हुसैन ने इस मजमून में मौजूदा नौजवान में, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों में, इस उम्र के नौजवानों में जो खराबियां पैदा हो गई हैं उस पर भरपूर चोट की है, भरपूर तंज किया है। तंज करने का मकसद क्या है? तंज करने का मकसद दरअसल इस्लाह करना है। इंशाई निगार इसी शऊर की तर्जुमानी अपने इंशाई में करता है। फिर जमाना जो मसाइल हैं, जो खराबियां हैं उसको उभार करना, अगर हम चोर को चोर कहते तो बहुत खराब है, लेकिन अगर उसी को हम बहुत जराफत में अंदाज में पेश करें तो वो बातें अच्छी लगती हैं, बुरी नहीं लगती है, दिल को नागवार नहीं लगती है। इसलिए पूरे अफसाने पूरे इंशाइया को हम पढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान तबका है, उसी की खराबी बयान की गई है, उसी की बुराइयां बयान की गई है, लेकिन वो इस अंदाज में बयान की गई है कि खुद नौजवान पढ़ता है और अपने आप पर हंसता है अपनी इस्लाम। तो इस तरह से सैयद मोहम्मद हुसैन का ये पहला मजमून इंशाइया दर्जा नौ के दर्स में शामिल है और इसी से इसकी शुरुआत है। इसको हम लोग बगौर पढ़ें और पढ़ने के बाद बहुत दिलचस्प है, 3-4 पन्ने का है, लेकिन अब इसमें हम लखनऊ के नवाब के बारे में और मौसमी हीरो को उन्होंने कहा कि ये खड़े स्टीम इंजन की तरह है। एक जगह उन्होंने कहा कि मौसमी हीरो की मिसाल कद्दू करेले के लत की तरह है। तो हम हंसते भी जाते हैं, लुत्फ भी हासिल करते हैं, तफरी भी हासिल करते हैं और मौजूदा नस्ल में जो खराबियां हैं वो भी हम पर जाहिर होती जाती है। हम तफरी के साथ साथ अपनी खराबियों से भी वाकिफ होते हैं और इसकी इस्लाह करते हैं, यही इंशाइया निगार का मकसद भी है। इस तरह से हम उसका पूरा मुताला करें और इसमें बहुत सारे जो अल्फाज हैं उसके माना किताबों में किताब में दिया हुआ है उसका हम मुताला करें और इसी से मिलता जुलता बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब इसमें मिल जाएंगे उसका हम मुताला करें। ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि बहुत मुख्तसर क्लास होता है, मतलब इसमें किस तरह के मजमून हैं और क्यों, हीरो कितनी तरह के होते हैं, मिर्ज़ा गालिब और आम के बारे में मजमून निकाल ने क्या लिखा है, मजमून में लखनऊ के बांकों के बारे में कौन सा वाक्य आपको पसंद आया, इस तरह से मौसमी हीरो के आखिरी हिस्से में क्या क्या करता है, बड़ा दिलचस्प है। इसको हम पढ़ेंगे
तो मौजूदा नौजवान नस्ल में जो खराबियां इस दौर में पाई जाती हैं, वो सारी खराबियां, उन सारी खराबियों को मजमून निकाल दें या इंशाई निकाल दें। इसमें बयान क्या है, बहुत तफरीहन अंदाज में बयान किया है। मिसाली और मौसमी हीरो में क्या फर्क होता है वगैरह वगैरह। इस तरह से बच्चों हम इसका मुताला करें और आज के दर्स में जो बातें पढ़ाई गई है उसको हम ध्यान से नोट कर लें, और इसमें कहीं कोई इबहाम की शक्ल हो, कोई बात न समझ में आती हो, तो फिर हमको हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा नंबर 8789183572 है, और उस पर हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे उसकी वजाहत कर सकते हैं।